हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूमिन करी। मैं हूँ आप सभी की फूडी होस्ट अमिता, और आज हम बनाने वाले हैं इडली और डोसे के साथ खाए जाने वाले साउथ इंडियन मसाले की रेसिपी, जो कि गन पाउडर की रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले आपको 8 से 10 लाल मिर्च को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आँच पर। फिर इसके बाद इसमें हम 2 चम्मच के जितना चना दाल ऐड कर देंगे। इसे भी हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए इसके ऊपर। सारे ही मसाले आपको बिल्कुल धीमी आंच पे भूनने हैं, तभी एकदम अच्छा अरोमा आएगा इसका। नहीं तो ऊपर से कलर तो आ जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा उनमें खुशबू नहीं आएगी। अब जब चना दाल थोड़ी सी भून जाए, इसके बाद आपको 1 चम्मच के जितना उड़द दाल डाल देनी है। तो ये मैंने 1 चम्मच के जितना बिना छिलके वाली उड़द दाल ली है। इसे भी हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने बारी बारी करके एक एक चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि हर चीज़ का कुकिंग टाइम अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हमने लाल मिर्च थोड़ी सी भून ली, फिर उसके बाद चना दाल, फिर उसके बाद उड़द दाल। अब हम डालेंगे ये 10 से 15 दाने काली मिर्च के हैं, और साथ में 1 चम्मच के जितना कच्चा चावल है। इसे भी हल्का सा आपको ड्राई रोस्ट करना है। ये बहुत ही टेस्टी मसाला होता है। अगर आप इसे बना के रखते हैं तो ये इडली डोसे के साथ बहुत अच्छा जाता है, और बना के आप रख सकते हैं, महीनों तक ये ख़राब नहीं होता, क्योंकि आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट किया है। अब इसमें सबसे लास्ट में हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून के जितना सफ़ेद तिल। इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है, क्योंकि बर्तन सफिशियंट गर्म है, उतने में भुन जाएगा। और 1 टेबल स्पून के जितना डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का भूरा। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी थी, बस इसे थोड़ा सा ठंडा करके आपको मिक्सी में डाल लेना है, और 1/2 छोटा चम्मच के जितना नमक डाल देना है। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच के जितना हींग, और सारी चीज़ों को एकदम बारीक आपको पीस लेना है। तो ये आपका होममेड गन पाउडर बिल्कुल रेडी है। आप डोसे के ऊपर डाल के खा सकते हैं, आप इडली के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है किसी भी साउथ इंडियन डिश के साथ। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप कुकिंग। और अगर रेसिपी के दौरान आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप अपने डाउट्स हमेशा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।